गुड इवनिंग, जय माता दी, वेलकम टू ऑल। दुर्गा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राखी खुराना फिर से आई हूँ आपके साथ बहुत ही चॉकलेट की इजी सी और एक हेल्दी रेसिपी के साथ। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बच्चे भी आज इसको बना सकते हैं, तो थोड़े से फ्रेंड्स मेरे जुड़ जाएं तो हम अपनी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गुड इवनिंग दीपक जी, हेलो सुनीता जी, हेलो पांडे जी, हेलो तनिका जी, हेलो शैली जी। आज मैंने बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इजी चॉकलेट रेसिपी बनाई है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये मेरी डार्क चॉकलेट की मैंने चॉकलेट बार्स बनाई हैं जो मैं भी आपको तोड़ के दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं, किशमिश डाल रखी है, डार्क चॉकलेट और थोड़ी सी कॉफ़ी डाल रखी है, और आप सबको बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो थैंक यू सो मच, आप सब इकट्ठे हुए हैं। और अमोल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपा जी, अभिषेक जी। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये डार्क कंपाउंड अमूल का। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट के साथ या वाइट कंपाउंड के साथ भी इसको बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने अपने मेल्टर में, ये छोटा सा मेरा मेल्टर है, जितनी आपको चॉकलेट ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपने मेल्टर में अपनी कंपाउंड को जो है इस तरीके से मेल्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास मेल्टर नहीं है तो 30 सेकंड्स के लिए दो या तीन बार आप अपनी कंपाउंड को अच्छे से मेल्ट करेंगे। और दो या तीन से मतलब ये होता है कि अगर हमने अपनी कंपाउंड जो है मेल्ट करनी है, हमको पहले 30 सेकंड के लिए अपना माइक्रोवेव चलाना है। और जय माता दी नितिन जी, उसके बाद हमको अच्छे से स्पून से उसको हिलाना है और उसके बाद फिर से 30 सेकंड के लिए हमको अपना माइक्रोवेव चलाना है और फिर से हमको उसको हिलाना है ताकि हमारी जो चॉकलेट है चारों तरफ से अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके अंदर कोई भी लम्स ना रहें। थैंक यू सो मच हरप्रीत जी, वेलकम। तो इस तरीके से हमने अपनी सबसे पहले चॉकलेट को हमको मेल्ट करना है। और जब भी हम अपनी चॉकलेट बनाने लगेंगे, हमारे सारे बर्तन, हमारे हाथ बिल्कुल सूखे हुए होने चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, इस तरीके से मैंने बहुत ही हेल्दी इस तरीके से ये मैंने अपनी चॉकलेट बार्स लगाई हुई हैं और थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है अपने लस्टर के साथ और अपने ग्लिटर के साथ और शुगर बॉल्स छोटी छोटी जो आती हैं, इस तरीके से मैंने इसको डेकोरेट कर रखा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जो ड्राई फ्रूट बच्चे नहीं खाते हैं, आनाकानी करते हैं, उनके लिए ये रेसिपी जो है बहुत अच्छी है। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने सारा लिया हुआ है और वो मैंने यूज़ किया है। तो मैंने अमूल की कंपाउंड ली हुई है, उसको मैंने मेल्ट किया है और थोड़ी सी कॉफ़ी उसमें डाल रखी है। और अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट नहीं है तो कॉफ़ी आप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको काट के दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरीके से अपनी एक बड़ी सी बाग बनाई है इस तरीके से। और अगर आपको इसको गिफ्ट करना है तो आप इसको किसी भी प्लास्टिक का जो इस तरीके से हमारे पास रोल आते हैं, आप इसमें अच्छे से ट्रांसपेरेंट कलर के इसमें आप इसको कर सकते हैं, और नहीं तो एक बड़े से जिपलॉक बैग में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी चॉकलेट को है, ये थोड़ी सी मैंने पहले निकाल के रखी हुई है चॉकलेट जो है मेरी, थोड़ी क्रंची नहीं है। तो जब भी आप ये चॉकलेट जो है काटेंगे तो ये फ्रिज में रख के ही काटें ताकि अच्छे से इसके पीसेस जो हैं हो जाएं। थोड़ा सा मौसम हमारा गर्म है तो चॉकलेट जो है हमारी बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ लीजिए और कोई भी आपके घर आए तो आप ये हेल्दी चॉकलेट बार उसको खिलाएंगे तो आपकी तारीफ ज़रूर होगी। और इस तरीके से आपका जब भी मन करे कुछ मीठा खाने का तो थोड़ी सी ये आप चॉकलेट जो है खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये चॉकलेट को थोड़ा सा इस तरीके से डेकोरेट भी कर रखा है, वो मैंने पूरी बनाई थी, और ये थोड़ी थोड़ी सी हम इस तरीके से सर्व भी कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बहुत सारे इसमें फ्लेवर्स होने की वजह से बच्चों को और आपको भी ये चॉकलेट जो है बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से ये मेरी चॉकलेट बॉक्स जो है बिल्कुल रेडी हैं।
इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको पतला रखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर आएगा, और मोटा रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। तो अब मैंने अपनी एक प्लेट ले रखी है, ये मैंने अपनी प्लेट ले रखी है, और इसके ऊपर मैंने अपना लगा रखा है सारा का सारा ये प्लास्टिक पेपर। आप इस पे पार्चमेंट शीट, बटर पेपर और सेलोफेन पेपर, कुछ भी अच्छा सा जो भी फूड ग्रेड का हो लगा सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस पे लगा रखा है ताकि मेरी चॉकलेट जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो थोड़े थोड़े से मैंने ये ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं। तो एक बात मैं आपको जो ज़रूरी बताना जा रही हूँ, जो भी आपकी ये कंपाउंड है मेरे पास, ये जो आधी बची हुई है, जो भी आप यूज़ करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आपको चॉकलेट के साथ बहुत ही सावधानी के साथ काम करना है, तो इसको भी आप अच्छे से ज़िपलॉक पैकेट के अंदर पैक करके रखेंगे फ्रिज के अंदर, नहीं तो आपकी चॉकलेट जो है कंपाउंड बची हुई जो है वो ख़राब हो सकती है। तो छोटी छोटी सी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी चॉकलेट जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी ये चॉकलेट। सबसे पहले ये मैं अपने ड्राई फ्रूट्स आपको बता देती हूँ, थोड़े थोड़े से ले रखे हैं। ये मैंने ले रखे हैं बादाम, ये मैंने ले रखा है किशमिश, ये मैंने ले रखे हैं, ये थोड़ी सी बादाम की जो श्रेडिंग्स होती हैं वो ले रखे हैं। इसके छिलके उतरे हुए होते हैं, रेडीमेड आते हैं, आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स ले रखे हैं, इसके साथ मैंने ले रखे हैं ये पिस्ता, और ये ले रखे हैं हेज़लनट। तो कॉफ़ी और हेज़लनट का जो टेस्ट है, कॉम्बिनेशन जो है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके पास घर में है तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो और साथ में थोड़े से मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए, प्रीमियम लुक के लिए मैंने शुगर बॉल्स ले रखी हैं इस तरीके से। ये भी आपके ऊपर है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। गोल्डन और सिल्वर बॉल्स मैंने ले रखी है, और थोड़ा सा इसको मैं करूँगी अपने, ये मेरे पास ग्लिटर है, एडिबल है, ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे सारी फूड ग्रेड की और एडिबल होती हैं, जो चॉकलेट्स के लिए ही होती हैं। और ये मेरा लस्टर है, कॉपर लस्टर के साथ आज हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये मैंने अपनी प्लेट ले रखी है, और इसके ऊपर अब मैंने लगा दिया है अपना पूरा का पूरा ये पेपर, ताकि मेरी चॉकलेट जो है अच्छे से बन जाए और नीचे से चिपके नहीं। तो कोई भी शेप आप इसकी ले सकते हैं, आप किसी भी ट्रे में इसको बना सकते हैं, प्लेट में बना सकते हैं, और बटर पेपर इसकी ग्रीसिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी चॉकलेट जो है ख़राब भी हो सकती है। तो आपने बीच में कुछ भी पूछना हो चॉकलेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करूँगी मैं साथ साथ आंसर्स देने की, और बाद में भी कोशिश करेंगे हम साथ साथ आपकी जो भी क्वेरीज हो उनके आंसर्स जो हैं हम देते रहें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे पेज को राखी खुराना चॉकलेट बार 464 इंस्टाग्राम पे मेरे राखी खुराना पेज को और चॉकलेट बार पेज को ज़रूर लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मेरी चॉकलेट की रेसिपीज़ हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी राखी खुराना के नाम से। अमूल के जितने भी लाइव मैंने किए हैं, मेरी बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं जो आप इजीली बना सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी। तो रेसिपी मैं अपनी शुरू कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये मेल्टर होता है, और इसको मैंने कर दिया है बंद। मेरी चॉकलेट बहुत अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुकी है, और इसमें मैंने कोई भी कोको बटर या कुछ भी नहीं डाला हुआ है। अगर आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हुई हुई है तो आपकी चॉकलेट वैसे ही शाइन करेगी और अच्छी बनेगी। तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने अपनी ये चॉकलेट जो है इसको थोड़ा सा ठंडा करना है इस तरीके से। बहुत गर्म गर्म चॉकलेट जो है हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से हिलाएंगे इस तरीके से। और चॉकलेट जब ठंडी हो रही है या नहीं, इसके लिए आप सबसे अच्छा जो इसका देखने का तरीका होता है, आप नीचे वाले लिप के ऊपर अपनी छोटी हल्की सी इस वाली उंगली से लगा के देखेंगे। अगर आपको गर्म ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब चॉकलेट आपकी बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको ठंडा करने की उसको ज़रूरत है। और नहीं तो ज़रा सी आप चॉकलेट अपने इधर लगाइए और आपको पता चल जाएगा आपकी चॉकलेट जो है वो रेडी है कि नहीं है। तो मेरे को अपनी चॉकलेट को थोड़ा सा इसको ठंडा करना है, और अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और शाइन भी बहुत अच्छे से आ रही है। जो भी शेप आप देना चाहें इसमें आप अपनी दे सकते हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके पास मोल्ड नहीं थे, वो नहीं बना पा रहे थे,
तो सबसे अच्छा ये तरीका है। इसमें मैंने ऑलरेडी एक 2 रुपए वाला जो कॉफ़ी का पाउच है वो डाल रखा था। तो अगर आपको कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये मेरी चॉकलेट जो है अच्छे से ठंडी भी हो रही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, चॉकलेट जो है हमेशा आपकी इस तरीके से होनी चाहिए और इसकी शाइन भी आप देख रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब मेरी चॉकलेट जो है ठंडी हो गई है। अब मैं इसको डालूंगी धीरे धीरे करके अपनी प्लेट के ऊपर। आप बटर पेपर, आप पार्चमेंट पेपर, आप कुछ भी इस पे लगा सकते हैं ताकि नीचे से आपकी चॉकलेट जो है वो चिपके नहीं। और फ्रिज में जो है प्रॉपर टाइम हम लगा के इसको सेट करेंगे ताकि हमारी चॉकलेट जो है उसकी शाइन ना जाए और अच्छे से बन जाए। तो धीरे धीरे करके अपनी चॉकलेट में डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा गोल गोल करके बनाऊंगी इस तरीके से। तो आपको आपको जो भी आपको शेप अच्छी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। इसमें किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें इतनी कोई कारीगरी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से बस मैंने अपनी चॉकलेट को इस तरीके से फैला रही हूँ इस तरीके से। बीच में कोई भी लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए इस तरीके से, इस तरीके से। अब मेरी ये बिल्कुल जो है रेडी है, ना मेरी बहुत ज़्यादा पतली है और ना मोटी लेयर है। इस तरीके से मेरी लेयर जो है ये बन गई है। आप चाहें तो कोई भी आप ट्रे ले सकते हैं, स्क्वायर कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और इसका जब तक ये हमारी चॉकलेट ऊपर से गीली है मैं फटाफट से लगाऊंगी इसको डेकोरेट करने के लिए अपने ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि गीली चॉकलेट होगी तो वो अंदर अच्छे से सेट हो जाएगी। और नहीं तो हमारी चॉकलेट अगर गीली नहीं रहेगी, अगर जमना शुरू हो जाएगी, वैसे तो गर्मियों में इतनी जल्दी नहीं जमती है, तो हमारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो अब हम धीरे धीरे करके इसके ऊपर सबसे पहले हम मिक्स करके लगा देंगे। ये मैं ले रही हूँ हेज़लनट। अब इसको हम छोटा छोटा सा काटेंगे, तो थोड़ा सा ऐसे ही दे देना हिलाना। इस तरीके से आपने ऐसे करके इसको रख देने हैं। और जितने चाहें आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है नट्स लगा सकते हैं। और जो भी नट्स हम यूज़ करेंगे पहले हमने उनको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है ताकि उनकी क्रंचीनेस जो है वो बनी रहे। और बाकी भी जो आप बाज़ार से अपने ड्राई फ्रूट्स लाते हैं वो भी एयरटाइट कंटेनर में होने चाहिए ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सिले नहीं और ख़राब नहीं हो। तो गर्मियों के मौसम में स्पेशली ध्यान देने वाली बात है कि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से जिपलॉक लिफाफे में डाल के आपको फ्रिज में रखना है। और इसी तरीके से थोड़े से मैं डाल दूँगी पम्पकिन सीड्स इस तरीके से। पम्पकिन सीड्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से मैंने डाल दी अपनी ये किशमिश इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा सा मैं कर दूंगी इनको प्रेस। और पिस्ता, और अगर आपके पास पिस्ता थोड़ा सा सॉल्टी वाला है वो भी इसमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। डार्क चॉकलेट के साथ थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट जो होता है वो भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं पिस्ते को, और चाहें तो आप बीच में से भी इसको इस तरीके से काट के डाल सकते हैं, वो कलरफुल थोड़ा सा और लगेगा। तो अलग अलग ड्राई फ्रूट लेने का मतलब यही था कि थोड़ी सी हेल्दी हो जाए और कलरफुल चॉकलेट्स जो हैं देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने ये सारे अलग अलग नट्स ले रखे हैं। आप चाहें तो आप इसमें मूंगफली भी ले सकते हैं, जो भी आपको नट्स पसंद हो वो आप ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और बाद में भी। तनिका जी, इसमें कोई भी जो भी आपको तनिका जी फ्लेवर पसंद हो आप इसमें ले सकते हैं। वनीला ले सकते हैं, बटर स्कॉच ले सकते हैं,
जो भी फ्लेवर आप लेना चाहें, आप इसमें हेज़लनट एसेंस आता है, अगर आप हेज़लनट नहीं डाल रहे हैं तो कोई भी आप इसमें जो है डाल सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी चॉकलेट बनाएंगे हमेशा ऑयल बेस ही एसेंस होंगे और ऑयल बेस ही आपके कलर्स होंगे, नहीं तो आपकी चॉकलेट जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो जिस भी चीज़ में पानी है हमको वो चीज़ यूज़ नहीं करनी है। तो वाटर कलर जो होते हैं कुकिंग के लिए अलग होते हैं और चॉकलेट्स के लिए अलग होते हैं। तो ये मेरी बहुत सुंदर सी जो है चॉकलेट तैयार हो रही है और साथ साथ मैं इसको और सुंदर बनाने के लिए आई होप आप सबको ये अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा सा लुक देने के लिए मेरे पास ये शुगर बॉल्स हैं जो हम केक में डालते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ऐसे डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, तो क्योंकि थोड़ी सी ये हार्ड होती है। और इसी तरीके से मेरे पास ये थोड़े से बड़े वाले शुगर बॉल्स हैं सिल्वर, वो मैं डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें डालेंगे जब हमारी चॉकलेट जो है हमने मेल्ट करके इसमें डाली है, और इसको बाद में थोड़ा थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे अपने लस्टर्स के साथ में। और थोड़ा सा इसको मैं डालूँगी अपना इसमें ग्लिटर, तो जो ग्लिटर होता है हमारा इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके के पार्टिकल्स होता है हमारा, इस तरीके का पूरा का पूरा इस तरीके से पाउडर होता है इस तरीके से। ये मेरा कॉपर शेड का है तो लस्टर जो है वो इस तरीके से होगा और जो हमारा ग्लिटर है वो इस तरीके से होगा। तो पहले मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर हल्का सा अपना ये ग्लिटर और बाद में डालूँगी थोड़ा सा लस्टर। इस तरीके से आप थोड़ा सा छड़क दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। डार्क ब्राउन चॉकलेट के ऊपर कलरफुल आपके सारे के सारे नट्स और ऊपर से ये गोल्डन थोड़ा सा लस्टर, इस तरीके से। तो बहुत सुंदर सी हमारी ये चॉकलेट और बहुत इजी रेसिपी के साथ वाली और हेल्दी रेसिपी जो है ये हमारी इस तरीके से जो है रेडी है। और इसको जा रही हूँ मैं फ्रिज के अंदर रखने के लिए। और जब तक आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। इसको मैंने सिंपल सिर्फ कॉफ़ी वाला मैंने ऐड किया अपना कंपाउंड कॉफ़ी डाल के। आप चाहें तो कोई भी एसेंस वनीला, कोई भी जो डार्क चॉकलेट के साथ आपको अच्छा लगता हो, हेज़लनट आलमंड कोई भी आप जो है इसमें एसेंस डाल सकते हैं। और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालिए, शुगर फ्री, अगर आपके पास शुगर बॉल्स है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। तो इसको मैं जा रही हूँ फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए। जब तक हमारी चॉकलेट सेट होती है आप कोई भी क्वेश्चन जो है मेरे से पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं, मैं राखी खुराना दिल्ली से हूं और चॉकलेट मेकिंग का मेरा एक बिज़नेस है, चॉकलेट सेल करती हूं, क्लासेस लेती हूं। तो मेरी इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी पुरानी रेसिपी भी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं और बहुत ही जल्द फिर से एक नई इजी रेसिपी के साथ आपके साथ बहुत जल्दी हम मिलेंगे। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप अपनी चॉकलेट को हमेशा फ्रिज के अंदर ही सेट करेंगे, बट थोड़ा सा इस टाइम पे हमको टाइम कम होता है तो मैं अपनी चॉकलेट को फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि आप तक प्रॉपर तरीके से मैं उसको दिखा सकूँ। तो आप जब घर में चॉकलेट बना रहे हैं और आपको जल्दी नहीं है या आपका कोई ऑर्डर नहीं आया है तो आप कोशिश कीजिए चॉकलेट फ्रीज़र की बजाय आप उसको फ्रिज में रखें। और थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आ रहा है तो चॉकलेट के ऊपर स्वेटिंग होना भी एक बहुत नॉर्मल सा एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप चॉकलेट को हल्के से किसी भी अच्छे से टिश्यू पेपर के साथ डैप करके और उसको आप अपने फॉइल पेपर पे फॉइल कीजिए और उसके बाद उसको आप अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में और जिप लॉक करके नहीं तो और उसको फ्रिज में रखिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर के ऊपर अब चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और ख़राब होने का भी बहुत चांस रहता है।
और गर्मियों में शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप अगर प्रॉपर तरीके से अपनी चॉकलेट्स रखेंगे तो शेल्फ़ लाइफ जो है हमारी चॉकलेट की काफ़ी बढ़ जाती है। तो कोई भी क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहें चॉकलेट के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सारी पुरानी रेसिपीज़ आपको अमूल के फेसबुक पेज के ऊपर राखी खुराना के नाम के ऊपर आपको वहाँ से मिल जाएगी। हेज़लनट बहुत इजीली किसी भी आपको बनिए की शॉप से, पंसारी की शॉप से, कहीं से भी तनिका जी आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, इसलिए आप जहाँ से राशन लेते हैं बहुत इजीली मिल जाते हैं। हेज़लनट का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास हेज़लनट नहीं है तो हेज़लनट एसेंस यूज़ कर सकते हैं आप, घर में बादाम डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं। अच्छे से ड्राई रोस्ट कीजिए और अपनी नट्स को जो है आप उसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप उससे बनाइए, उसके बाद फिर आप हेज़लनट बेशक से लाइए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किशमिश डाल सकते हैं और इसके अंदर आप ओट्स जो है वो भी ड्राई रोस्ट करके ओट्स भी डाल सकते हैं। ओट्स का फ्लेवर भी जो है बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छी रेसिपी है। जो हमारी डार्क चॉकलेट होती है सबसे कम मीठा उसमें होता है, तो इसको खाने में भी हमें कोई परेशानी नहीं है। जब आपका मूड चाहे छोटा सा टुकड़ा निकालिए और उसको इंजॉय कीजिए। मिल्क चॉकलेट में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा होता है और वाइट चॉकलेट में सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो आज जो रेसिपी है वो थोड़ी जो हेल्थ कॉन्शियस जो हैं उनके लिए है, इजी सिंपल और बेस्ट और हेल्दी। चॉकलेट मेरी सेट हो रही है, साथ साथ आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से मेरी कंपाउंड ये बची हुई थी और ये मैंने अमूल के लिए है। इसको अच्छे से मैंने इस तरीके से लेना है और इस तरीके से मैं इसको पैक करके रख दूँगी ताकि अगली बारी अगर मुझे यूज़ करना पड़े तो मेरी कंपाउंड जो है वो ख़राब नहीं हो। और इसको या तो मैं रखूँगी जो कमरा मेरा सबसे ठंडा है, जहाँ पे अच्छे से पंखे की हवा आ रही है, अभी एसी का मौसम तो नहीं है, और या फिर मैं रखूँगी कूल और ड्राई प्लेस के अंदर। इसको अच्छे से मैंने पैक कर दिया इस तरीके से ताकि मेरी चॉकलेट जो है वो ख़राब नहीं हो। और अपनी चॉकलेट इस तरीके से आप बची हुई भी रखेंगे कंपाउंड, तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है बनी हुई चॉकलेट की भी और कंपाउंड की भी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर इसको अगर आप खोल देंगे, और आजकल गंदा मौसम है तो आपकी कंपाउंड भी ख़राब हो सकती है, आप मेल्ट करेंगे वो थोड़ा सा बटर जैसा बन जाएगा। तो छोटी छोटी सी छोड़ ये है बातें, आप ध्यान रखेंगे तो आपकी चॉकलेट जो है बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप वाइट चॉकलेट के साथ बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं, उसके अंदर आप पिसी हुई इलायची केसर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और सेम बहुत सारे अपने जो भी घर के अंदर नट्स हों वो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ हम अपनी चॉकलेट्स को थोड़ा सा यूनिक और अच्छा बना सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चॉकलेट्स बहुत अच्छी बनेंगी, और अगर छोड़ देंगे तो आपकी चॉकलेट बनने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। बट आप बनाते रहिए और प्रैक्टिस से आपकी चॉकलेट्स जो हैं अच्छी बन जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरी चॉकलेट सेट होने के लिए, हमको ज़बरदस्ती जल्दी से नहीं निकालना, नहीं तो चॉकलेट जो है वो ख़राब भी हो सकती है। जो जो ड्राई फ्रूट्स बचे हों आप साथ साथ उसको अपना बंद करके रख दीजिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर फ्रिज में, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इजीली जब उसको यूज़ करें तो आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से क्रंची रहें। और एक बारी आप टेस्ट कर लें, अगर आपके ड्राई फ्रूट्स क्रंची नहीं हैं तो उसको तवे के ऊपर या माइक्रोवेव में 30-30 सेकंड्स के लिए दोबारा से, आप जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट होंगे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, नहीं तो 30 सेकंड्स के लिए बड़ी सी प्लेट के अंदर ड्राई फ्रूट को आप रोस्ट कर लीजिए।
कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी बहुत ही इजी और बच्चों के लिए ही कोशिश करेंगे चॉकलेट्स लेके आने की। एग्ज़ाम हो चुके हैं, चॉकलेट्स वो खुद भी बनाने की कोशिश करें, इसमें कोई ख़तरा नहीं है पेरेंट्स को कि थोड़ा गर्म लग जाएगा या क्या है क्या नहीं है, और बच्चों को खुद बना के खुद खाने के लिए भी बहुत थैंक यू सो मच सीमा जी, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए कि अपने हाथ से बनी हुई वो चॉकलेट खाएं, सीखें, बनाएं। और जो भी आप चॉकलेट घर में बना रहे हैं थोड़ा सा आप हेल्दी बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़ा सा जो अच्छा हो। थैंक यू सो मच तनिका जी, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए और ख़ुद भी थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए। चॉकलेट ही नहीं बल्कि हर चीज़ में जो भी आप कुकिंग कर रहे हैं आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलें, और बच्चों को भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गेम्स में जो लगे रहते हैं उससे बेटर है कि वो छोटी छोटी सी ये चीज़ें सीखें, बनाएँ और खाएँ। तो चॉकलेट मेरी सेट हो रही है, अभी थोड़े से टाइम में मैं लेके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी ये चॉकलेट है, कॉफ़ी के साथ मैंने बनाई है। आप हेज़लनट एसेंस डाल सकते हैं, वनीला डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर जो आपको अच्छा लगता हो आप उसमें वो एसेंस यूज़ कर सकते हैं। सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप राखी खुराना पे जा सकते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वहाँ मेरी सारी की सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। और राखी खुराना पेज को आप लाइक कीजिए, चॉकलेट बार पेज को आप लाइक कीजिए, वहाँ मेरी बहुत सारी क्रिएटिविटी, मेरे हैम्पर्स, नए नए तरीके के मोल्ड, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, आपको देखने में अच्छा लगेगा और नई नई चीज़ें आपको सीखने में मिलेंगी। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से हम बनीस चॉकलेट बनाएंगे। तो ये चॉकलेट मोल्ड जो हैं वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, वो आप देख लीजिए, आपको ऑनलाइन कहीं से भी आप ले सकते हैं, पीवीसी के ले सकते हैं, बहुत तरीके के मोल्ड आजकल मिल जाते हैं, बट आपका हाथ जहाँ पे सेट हो आप उसी मोल्ड को आप यूज़ कीजिए। हाँ जी तनिका जी, आप किसी भी चॉकलेट में बना सकते हैं, आप मिल्क में भी बना सकते हैं, वो थोड़ी सी मीठी ज़्यादा होगी, वाइट में भी बना सकते हैं, और जैसे मैंने बताया है आप सेम ड्राई फ्रूट डालिए, जो थोड़ी सी वाइट चॉकलेट है अगर उसमें आप केसर और इलायची पिसी हुई डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी चॉइस क्या है, आपको डार्क चॉकलेट पसंद है कि मिल्क पसंद है या वाइट। हेलो उपिन जी, कोई भी चॉकलेट जो आपको अच्छी लगे आप उसको बना सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने ये बड़ा बनाया है आप छोटी छोटी करके भी, मेडियंट्स टाइप भी आप छोटे छोटे से इसको बना सकते हैं अलग अलग चॉकलेट्स के, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपने बनाई कैसी है, फ्लेवर भी आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्लेवर कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो चॉकलेट मेरी शायद से सेट हो गई होगी, मैं देख के आती हूँ, और नहीं तो मोस्ट वेलकम तनिका जी। तो अगर मेरी चॉकलेट सेट हो गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो 2-3 मिनट के लिए और रखें। अब इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, देखते हैं ये बनी है कि नहीं, और इसको छोटे छोटे पीसेस में हमको काटना है इस तरीके से। मैंने नीचे की तरफ से अपना ये पेपर लगा रखा था पूरा, और ये निकल आया इस तरह पूरी की पूरी प्लेट, और हल्के हाथों से इसको यूं मैंने निकाल दिया। इसी तरीके से आप बटर पेपर ले सकते हैं, जो आपके पास घर में हो आप इजीली ले सकते हैं, और बहुत सुंदर सी ये मेरी चॉकलेट बाग जो है इस तरीके से मेरी रेडी है। आप ये देख सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत ही यमी,
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंपाउंड चाहिए। अगर ड्राई फ्रूट भी नहीं है तो आप सिर्फ कंपाउंड और कॉफ़ी सबके पास होती है, आप उसको मेल्ट करके उसमें डाल सकते हैं और उसका फ्लेवर आप उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी, आप इस तरीके से पास से ये देखिए, इस तरीके से ये शुगर बॉल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ग्लिटर भी डाला हुआ है हमने। तो अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट इसको करूँगी, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देगा। अब मेरे पास कॉपर कलर का थोड़ा सा डस्टर मैं ले रही हूँ और इसकी साइड्स के ऊपर इस तरीके से मैं लगा दूंगी, इस तरीके से। चारों तरफ से अच्छे से मैंने एक आउटलाइन बना दी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रीमियम लुक के लिए, जिस तरह से हम लोग सेलिंग करते हैं उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं। बट अगर आपके पास घर पे नहीं है तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, चॉकलेट खाने में आपको उतनी ही अच्छी लगेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है डेकोरेट और इसके अब करने जा रही हूँ, थैंक यू, इसको अब मैं कट कर रही हूँ इस तरीके से। अगर आप सर्व करेंगे इसको थोड़ा सा बीच में से, किसी भी उससे आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं और इसको अगर कोई आए आपके पास और आपको सर्व करना हो तो अच्छी सी ट्रे के साथ आप अपनी चॉकलेट्स को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी, इस तरीके से। अब मेरी, अब आप चॉकलेट देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत लग रही है, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स और लस्टर और शुगर बॉल्स और कॉफ़ी, इन सब का एक बहुत ही यूनिक टेस्ट जब आपके मुंह में जाएगा और बच्चे जब वाह वाह करेंगे, गेस्ट आएंगे अगर आप उनको ये सर्व करें। और आपको सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए ही चॉकलेट मेल्ट करनी है, मैक्सिमम आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको सिखा रही हूँ तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आप ये चॉकलेट खुद बनाएंगे तो मुश्किल से 10 मिनट का ये काम है। तो आप कोशिश कीजिए, ज़रूर बनाइए, मुझे टैग कीजिए, मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसमें ना किसी मोल्ड की ज़रूरत थी और ना कुछ आपको बाजार से लाना पड़ेगा। अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं तो सिर्फ एक कंपाउंड के साथ आपकी बहुत ही खूबसूरत हेल्दी चॉकलेट जो है वो रेडी हो जाती है। तो आप इस तरीके से अपनी चॉकलेट जो है रख सकते हैं, और ये वाली चॉकलेट मैंने भी आपके सामने बनाई है। हाँ जी, ड्राई रोस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो क्रंचीनेस है वो बनी रहे, और क्रंचीनेस जो है मुंह में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा सॉगी सॉगी रहेगा तो चॉकलेट जो है हमारी इतनी अच्छी नहीं लगती है। और कोशिश कीजिए कि पहले आप टेस्ट कीजिए, अगर आपको चॉकलेट क्रंची ड्राई फ्रूट क्रंची लग रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपको थोड़ी सी आपको ज़रूरत लग रही है उसको रोस्ट करने की तो तवे के ऊपर, फ्राई पैन में, जैसे भी आपको लगे वो आप अपनी जो है ड्राई फ्रूट जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट जो है मैंने अभी बनाई है, और पहले वाली चॉकलेट भी जो मैंने बनाई थी वो मैं लेके आती हूँ। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन है हमने किस तरीके से करना है, और आपकी सिंपल सी जो चॉकलेट्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।
ये वाली चॉकलेट जो है पहले बना के मैंने रखी हुई थी अपनी बाग्स, और ये वाली मैंने बनाई है अभी आपके सामने। तो बहुत ही खूबसूरत चॉकलेट्स हैं, तो आप इसको बनाइए। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जब आप अपने घर में ड्राई फ्रूट जब भी यूज़ करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो किशमिश है हमेशा जो है वो अलग से आप करिए। तो कई बारी मैं भी, जो मेरे पास भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो मैं इस तरीके से अपने एक ही बॉटल में डाल देती हूँ। बट हमेशा ध्यान रखिए कि नट्स के साथ कभी भी जो किशमिश है नहीं रखनी, जो किशमिश जो होती है थोड़ी सी सौगी होती है, तो आपके नट्स भी जो हैं अंदर से सौगी हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसमें आप डालना चाहें तो आप इसमें थोड़े से अपने फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। सन ड्राई फ्रूट्स आते हैं बहुत तरीके के, तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की चॉकलेट्स जो हैं आप बना सकते हैं। ये मेरी चॉकलेट्स जो हैं बिल्कुल रेडी हैं और आप खा सकते हैं इस तरीके से। और बना के शुगर फ्री का यूज़ है नहीं इसमें, शुगर फ्री नहीं, अगर आप चाहें तो शुगर फ्री जो प्योर चॉकलेट्स हैं मार्केट में अमूल की आपको मिल जाएंगी, शुगर फ्री कंपाउंड भी जो होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर डार्क चॉकलेट खानी है आप वो भी ले सकते हैं, और शुगर फ्री खानी है तो आपको चॉकलेट और कंपाउंड जो है वो शुगर फ्री ही लेने पड़ेंगे। बाकी सबका मेल्टिंग का प्रोसीजर जो है वो एक ही रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसमें मैंने ऊपर से कोई भी शुगर यूज़ नहीं की है, क्योंकि मेरी चॉकलेट जो है, मेरी कंपाउंड जो है ऑलरेडी जो है वो मीठी है, उसमें शुगर ऑलरेडी है। बट डार्क चॉकलेट जो होती है उसमें शुगर जो है कम होती है, मिल्क और वाइट चॉकलेट में शुगर जो है वो ज़्यादा होती है। शुगर फ्री कंपाउंड जो है बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, जहाँ से बाकी कंपाउंड मिलेंगे आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो शुगर फ्री भी आप ले सकते हैं और इस तरीके की चॉकलेट्स जो हैं बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं है या आप बाद में भी पूछना चाहें तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अमूल, थैंक यू सो मच आप सबका। वंस अगेन जय माता दी, दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक्स सो मच आप सब हर बार आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत इजी रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, और मैं राखी खुराना दिल्ली से चॉकलेट बार। तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जब आप बनाएं तो मुझे टैग ज़रूर कीजिए, और मुझे आप मैसेंजर में और इंस्टा पे भी बता सकते हैं आपको बना के ये रेसिपी कैसी लगी, उसका टेस्ट आपको कैसा लगा। और नई रेसिपी, इजी रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।